Welcome to the third lecture of the first chapter, that is reproduction in organisms. प्यारे बच्चों, हम आगे प्रोसीड करते हैं. That is, first of all, define sexual reproduction. What is sexual reproduction? Sexual reproduction is the reproduction in which male and female gametes are formed and fused together. It involves the formation and fusion of male and female gametes. Male and female gametes. What are the gametes? The female produce the egg. Similarly, male produce the sperm. When these two structures fuse together, they form the zygote. And this egg and sperm, they are called gametes. The gametes may be produced by same individual. कई ऑर्गेनिज्म में दोनों के दोनों गैमीट, मेल भी और फीमेल भी, एक ही ऑर्गेनिज्म से अराइज हो जाते हैं. बट इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अगर हम एनिमल्स की बात करें, द गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. सो डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स. इट इज बाई पेरेंटल, इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज बाई पेरेंटल. दैट इज टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. दीज गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट. जब दोनों गैमीट फ्यूज हो जाते हैं, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम जाइगोट कहते हैं, विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म. और ये जाइगोट आगे जाकर नया ऑर्गेनिज्म बनाता है. इट इज एन इलेबोरेट कंप्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस. प्यारे बच्चों, ये जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ये एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इलेबोरेट है. मतलब लंबा प्रोसेस है, कंप्लेक्स है. उससे काफी वो सिंपल प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये कम्प्लेक्स है. सिंपल कैसे है, अभी हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम एक प्लांट की टहनी लेते हैं, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, उसको हम सोयल में ग्रो कर देते हैं और उससे नया प्लांट बन जाता है. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी सारा लंबा एक फिनोमिनन है, प्रोसेस है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है. वट आर द एडवांटेजेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम ये पढ़ेंगे. एडवांटेजेज क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये कैसे अच्छी है. इट इज असेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट हेल्प द ऑर्गेनिज्म इन मल्टीप्लीकेशन, परपेचुएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज. ये मल्टीप्लीकेशन में तो हेल्प करती ही है. मल्टीप्लीकेशन क्या है, अभी नंबर इंक्रीज करने में. परपेचुएशन में हेल्प करती है, यानी स्पीसीज को मेंटेन रखती है. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्पीसीज को मेंटेन रखती है. सपोज मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ, मान लो डॉग है, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो डॉग खत्म हो जाएगा डेथ के बाद. जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तभी उस जैसे ऑर्गेनिज्म आगे जनरेशन में सर्वाइव करेंगे. एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, इवोल्यूशन में हेल्प करती है, यानी उसमें नए नए चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में, क्योंकि एनवायरमेंट लगातार बदलता रहता है, और उसमें अपने आप को एडजस्ट करने के लिए स्पीसीज के अंदर भी कुछ चेंजेस आते रहने चाहिए. वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो चेंजेस नहीं आते हैं. इसीलिए हम कहते हैं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आगे हमने लिखा भी है, इट इज बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मीओसिस. इसमें एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड मीओसिस एंड फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट. मीओसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आते हैं, जेनेटिक चेंजेस आते हैं. एंड बाई पेरेंटल, बाई पेरेंटल है ये, दो पेरेंट्स में मिक्सिंग होती है, दो पेरेंट्स के करेक्टर्स की इन द ऑफस्प्रिंग एंड हेल्प इन एवोल्यूशन. अडेप्टेशन, अडेप्टेशन यानी एडजस्टमेंट इन द एनवायरमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज अंडर डाइवर्स चेंजेस इन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. थर्ड एडवांटेज, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल. ये बेटर चांसेस हैं उसके सर्वाइवल के, बिकॉज दे आर बेटर अडेप्टेड. ऊपर भी आया है, भी अडेप्टेशन में हेल्प करता है, इसीलिए इन अडेप्टेशन के कारण ही उसके चेंजिंग एनवायरमेंट में सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं ड्यू टू वेरिएशंस. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंट फेज. बच्चों, ये जो हमने ऊपर एडवांटेजेस पढ़े हैं, ये तीन जो हमारी एनसीईआरटी में तीन क्वेश्चन हैं, पहले तीन चार क्वेश्चंस, उनके आंसर को कवर करती हैं. तुम जैसे ही वो क्वेश्चन पढ़ोगे और इन एडवांटेजेस को पढ़ोगे, यू गेट टू नो दैट इट कवर द थ्री क्वेश्चंस. उनके आंसर इन्हीं तीन पॉइंट्स में अलग अलग पढ़े हुए हैं. और फिर एक क्वेश्चन है बुक में ही, व्हाट इज द डिफाइंड जुवेनाइल रिप्रोडक्शन एंड सेंसेंट फेज. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैम. जुवेनाइल फेज,
प्यारे बच्चों, हर एक की लाइफ में, ऑर्गेनिज्म की लाइफ में तीन तरह के फेज होते हैं, जुविनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंट। जुविनाइल फेज क्या है? अंटिल अनलेस एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस, जब तक वो रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू नहीं करता, तब तक उसकी लाइफ को जुविनाइल फेज कहा जाता है। ऑल द ऑर्गेनिज्म पास थ्रू सर्टेन फेजेस और चेंजेस of the growth and maturity before they can reproduce sexually. This period of growth is called juvenile phase. यानी जब तक वो sexual reproduction शुरू नहीं करते, उससे पहले का जो phase है, that is called juvenile phase in animals. Plants में उस phase को vegetative phase कहते हैं। यानी जब तक एक plant के ऊपर flower आना शुरू नहीं होता, फूल आना शुरू नहीं होता, तब तक उसका वो vegetative phase है। Now we come to the reproductive phase. इट इज अ पीरियड, रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? जब एक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, हम कहते हैं इट हैज एंटर्ड इन टू द रिप्रोडक्टिव फेज। नाउ वट इज सेंसेंट फेज? और जब एक ऑर्गेनिज्म ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, और वो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को लूज कर देता है, नाउ इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इट इज कॉल्ड सेंसेंस फेज। इट इज़ अ पीरियड वैन ऑर्गेनिज्म ग्रो ओल्ड एंड लूज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ये तीनों फेज हमें कुछ एनुअल प्लांट्स में बिल्कुल क्लियर कट नज़र आते हैं, बाइनियल प्लांट्स में भी क्लियर कट नज़र आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें गेहूँ, हमने पौधा लगाया गेहूँ का, जब तक उसके ऊपर फ्लावर नहीं आया, फ्लावर यानी गाँव में आप लोग उसको जो बाल बोलते हैं शायद, उसको जो ऊपर, जिसके ऊपर गेहूँ लगी होती है वो आ जाती है, जब तक वो नहीं आई तब तक वो जुविनाइल फेज है। जैसे ही वो आनी शुरू हो जाती है, फ्लावर आना शुरू हो गया, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। और उसके बाद जब वो गेहूं आ जाती है, उसके बाद वो पक जाती है, प्लांट अपने आप सूख जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सेंसेंस फेज, जब वो सूखना शुरू हो जाता है। तो दीज फेजिज आर वेरी क्लियर, क्लियरली यू कैन से वेरी क्लियर सीन, क्लियरली सीन इन द एनुअल प्लांट्स। सिमिलरली इन द बाइनियल प्लांट वी कैन सी देम। बाइनियल प्लांट्स क्या हैं? बाइनियल प्लांट्स वो हैं जो दो साल में, या ये कहने कि हम या ग्रोइंग सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं, दे आर कॉल्ड बाइनियल प्लांट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कैरेट या रेडिश, मूली और गाजर में देखते हैं, वेजिटेटिव, मूली में मैं तुम्हें समझा देता हूँ, वेजिटेटिव फेज में मूली तैयार हो जाती है, नीचे ऊपर जो पत्ते हैं वो एक ही पॉइंट से अपीयर होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर होता है तो पत्तों के बीच में इंटरनोड अपीयर हो जाते हैं, यानी उनकी स्टेम बन जाती है, और उसके ऊपर फिर फ्लावर आता है, और फिर उसके ऊपर फ्रूट लगता है, जिसको तुम सिंगरे कहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। और उसके बाद फिर वो पौधा मर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सेंसेंस फेज, मरना शुरू हो जाता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लांट विच प्रोड्यूस फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ साइकिल। बैम्बू इज द प्लांट, इट फ्लावर जनरली आफ्टर 50 to 100 years, देन एंड डाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लांट विच प्रोड्यूस फ्लावर वंस इन 12 years, ऐसे प्लांट का नाम जो 12 साल में केवल एक बार फूल देता है, दैट इज स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना और नील कुरंजी, इसको बोलते हैं, इट इज़ फाउंड इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। प्यारे बच्चों, ये तुमने सभी क्वेश्चंस याद करने हैं। इस चैप्टर में से 2 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आते हैं, 2 नंबर का, और मैंने उसी हिसाब से छोटे छोटे क्वेश्चन तुम्हें तैयार करके मैं दे रहा हूँ। इसको, नोट्स को लिखते रहो और याद करते रहो। थैंक यू।